हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एफसीआई एएफओ नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो 4000 एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी उसी का एक पार्ट है ये। तो इसमें एग्रीकल्चर के एमसीक्यू को हम कवर अप करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। देन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मेन एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है। देन राइट आंसर इज पेप्सिन। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताऊंगी बिकॉज फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसी वजह से। तो आपको आप खुद का आंसर गैस करना है तो आप वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को स्टॉप करके और उसके बाद में खुद का आंसर रेज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद में आंसर जो राइट आंसर है उसके साथ में अपना आंसर मैच कर सकती हैं। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और सभी क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। देन आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और कुछ भी समझ नहीं आए देन वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 इज़ SO2 जो है वो क्या है, किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। फिर है यूरिया कंटेंट्स, तो यूरिया में क्या पाया जाता है, इनमें से 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर है बनाना प्रोपेगेटेड थ्रो, तो बनाना किससे प्रोपेगेट होता है, सकर्स से या फिर कॉम से और स्वाट सकर्स से, ठीक है। फिर है फिनोल रिएक्टेड विद जिंक डस्ट गिवन, तो फिनोल और जो जिंक है दोनों रिएक्ट होंगे तो उनसे क्या मिलेगा, बेंजीन। और फिर है जो मेलेनिन आईएक्स जो रूट स्टॉक है वो किसका रूट स्टॉक है, तो एप्पल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड होइंग जो होती है जिसे अंधी गुड़ाई बोला जाता है वो किसके अंदर पॉसिबल है, यानी कि किसके अंदर की जाती है, इन फसलों में से पूछ रहा है जो आपको ऑप्शन में दी गई है। देन राइट आंसर इज सुगर केन यानी कि गन्ना के अंदर। फिर है सीरियस डैमेज ड्यू टू शॉट एंड फ्रूट बोरर इज इन, जो शूट और फ्रूट बोरर होते हैं ना उससे सबसे ज़्यादा जो सीरियस किस फसल को डैमेज करता है इन चारों में से, तो ब्रेंजिल को यानी कि बैंगन को। फिर है द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, तो जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक के डिवीज़न को क्या बोलती हैं, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। फिर है द रानीखेत डिजीज अफेक्टेड, रानीखेत डिजीज जो है वो किसकी है, पोल्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम इज रिकमेंडेड इन कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि किस फसल के कल्टीवेशन में जिप्सम रिकमेंडेड है, तो किस फसल में है, ग्राउंडनट में, मूंगफली में। मैरिनो किसकी ब्रिड है, शिप की है, भेड़ की है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री के और हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये AFO के लिए इंपॉर्टेंट है एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो नाबार्ड और FCA दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है व्हेन टू इरिगेट वीट आफ्टर सोविंग इफ ओनली वन इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, ये बोल रहा है कि हमने क्या है वीट की सोविंग कर दिया उसके बाद में हमारे पास ओनली वन इरिगेशन है, यानी हम एक इरिगेशन दे सकते हैं इतना ही वाटर हमारे पास है, तो ये बोल रहा है कि कब देनी चाहिए सिंचाई, तो सोविंग के 20 से 25 डेज आफ्टर करनी चाहिए बिकॉज उस टाइम CRI स्टेज होती है और CRI स्टेज में वीट को पानी देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इस स्टेज में पानी नहीं मिलने पे जो वीट के प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमें अच्छे से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और ये इसकी क्रिटिकल स्टेज है। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ पोटेटो, पोटेटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउल पॉक्स जो डिजीज है वो किसको अफेक्ट करती है, तो पाउल पॉक्स जो डिजीज है वो किसको अफेक्ट करती है, पोल्ट्री को। फिर है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर फॉर बरसीम फोडर इज, बरसीम फोडर के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, फॉस्फोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गट इज एन इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ, अर्गट जो है वो किसकी इम्पोर्टेंट डिजीज है, तो पर्ल मिलेट की है, सोर्गम और पर्ल मिलेट में कन्फ्यूज नहीं होना, किसकी है, पर्ल मिलेट की। फिर है राइस वैरायटी IR36 बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, इंडिका से। नेक्स्ट है इन ऑनियन स्मेल ओकेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि ऑनियन के अंदर प्याज के अंदर जो तीखापन होता है जो स्मेल होती है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती है, तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन है वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है, ठीक है। फिर है प्रॉपर टाइम ऑफ सोविंग हाइब्रिड मेजेस, तो प्रॉपर टाइम जो होता है सोविंग का वो मतलब कब होता है ये पूछा है, तो जून का फर्स्ट वीक है ना तब हाइब्रिड मेज का पूछा है। फिर है कल्याणपुरा जो बारामासी है वो किसकी वैरायटी है ये पूछ रहा है, तो ये किसकी है, बिटर गार्ड की है।
और फिर है माइकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, फंगी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज हैवीली अफेक्टेड बाय पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू से ज़्यादा अफेक्ट कौन सी क्रॉप होती है, पी जो है मटर जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है। विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, तो कौन सी क्रॉप है जो कि ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के द्वारा क्या की जाती है, जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, पहले उसकी सीडलिंग लगाई जाती है बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो कौन सी है, कैबेज। नेक्स्ट है एजोला इज यूज इन कल्टिवेशन ऑफ, एजोला जो है उसका यूज किसके कल्टिवेशन के अंदर किया जाता है, तो सबको पता होगा कि राइस के अंदर एज ए बायो हर्बिसाइड इसका यूज किया जाता है, सॉरी फर्टिलाइजर, एज ए बायो फर्टिलाइजर। फिर है पुंजेंसी इन ऑनियन बल्ब इज ड्यू टू एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, वन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा दीपाली इज ए वैरायटी ऑफ, पूषा दीपाली जो है वो किसकी वैरायटी है, तो पूषा दीपाली किसकी वैरायटी है, कॉलीफ्लावर की। ठीक है, इनमें एक क्वेश्चन था मैंने मिसप्रिंट कर दिया, वन सेकेंड, ऑनियन का ही था वो, हाँ 19 यही था, इसमें पूछा है इन ऑनियन स्मेल ओकेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, देन इसका राइट आंसर है आपका सल्फर। ठीक है, वो मैंने पुंजेंसी सोच लिया, पुंजेंसी पूछ रहा है तो उसका एलाइल डाइप्रोपाइल सल्फाइड। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है परबनी क्रांति जो है वो किसकी वैरायटी है, ओकरा की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएन स्टैंड्स फॉर, टीडीएन का फुल फॉर्म क्या है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट्स। ठीक है, फिर है पूषा कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है, तो पूषा कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, टर्निप की है। और 31 नंबर क्वेश्चन, वन सेकेंड, 31 नंबर क्वेश्चन है कि बॉटेनिकल बनाना फ्रूट इज, जो बनाना का फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है, देन राइट आंसर इज बेरी। फिर है ललित और श्वेता जो है वो किसकी किस्म है, ललित और श्वेता जो है गवावा की किस्म है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा हिमानी इज ए वैरायटी ऑफ, पूषा हिमानी किसकी वैरायटी है, तो पूषा हिमानी किसकी वैरायटी है, रेडिश की है। और एफिनिस टाइवस जो है ये किसका बोटेनिकल नेम है, ये भी किसका है, रेडिश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्का ज्योति जो है वो किसकी वैरायटी है, तो अर्का ज्योति किसकी वैरायटी है, अर्का ज्योति जो है वाटरमेलन यानी तरबूज की वैरायटी है। और बैगेसिस इज ए बाय प्रोडक्ट, यानी कि एक बाय प्रोडक्ट होता है बैगेसिस, ये किसका है, तो ये किसका है, सुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड आर, तो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। फिर है सिल्क इज द सेक्रेशन ऑफ, तो सिल्क कहाँ से सेक्रेट होता है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड से। फिर है रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसेंटली इंस्टाब्लिश्ड इन इंडिया एट, यानी कि जो रीजनल सेंट्रल जो रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अभी रिसेंटली इंस्टाब्लिश्ड किया गया है इंडिया के अंदर, ये पूछ रहा है कहाँ पे किया गया है, द राइट आंसर इज वाराणसी के अंदर। फिर है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन गट वॉल इज, जो इनर मोस्ट लेयर होती है ह्यूमन गट वॉल की वो कौन सी है, देन इसका राइट आंसर कौन सा है, मुकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है तो किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। फिर है फिनोल ऑन डिस्टिलिंग विद जिंक डस्ट गिवन, तो क्या मिलेगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ, डिबलिंग किसका मेथड है, सीड सोविंग का है। और ड्यूरिंग मिटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड सेट, तो जब मिटोसिस होता है उसका पूछ रहा है ये, देन इसका राइट आंसर क्या है आपका, एनाफेस। ठीक है, एनाफेस के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। एंड जो मलबेरी फ्रूट्स इज, मलबेरी फ्रूट जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सैरोसिस। और 48 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है इनमें से, ठीक है तो शॉर्ट डे प्लांट का पूछा है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा है, सोयाबीन है। और ग्रेप का साइंटिफिक नेम क्या है, विटिस विनीफेरा। 50 नंबर क्वेश्चन है द इनफ्लोरोसेंस ऑफ बार्ले इज, तो बार्ले के इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोला जाता है। और कोरिएंडरम के फ्लावर को क्या बोलते हैं, कोरिएंडर के फ्लावर को अम्बेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटोनिंग इज ए प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो रेटोनिंग किसमें की जाती है, सुगर केन के अंदर की जाती है। और द नंबर ऑफ स्टेमन्स यानी पुंकेसर जो होते हैं, स्टेमन जो होते हैं, तो वो ग्रीन ग्राम के अंदर कितने होते हैं, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिचर प्लांट इज, तो किस टाइप का होता है, इसका राइट आंसर क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है इंसेक्टिवर्स।
फिर है इलाहाबाद सफेदा जो है वो किसकी वैरायटी है? द राइट आंसर इज गोवावा, गोवावा की वैरायटी है। 56 नंबर है, भदावरी बुफेलो इज आइडेंटिफाई बाय विच वन बॉडी कलर? तो किस टाइप का उसका बॉडी कलर होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कॉपर कलर का होता है। फिर है ड्यू लेप इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ ए काउ अमंग द फॉलोइंग? तो जो काउ होती है, गाय जो होती है, उसका जो ड्यू लेप जो होता है, गल कंबल जिसे बोलते हैं, वो किस पार्ट पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? लोअर साइड ऑफ द नेक, यानी कि गर्दन के नीचे। फिर है एल्फिसोल इज ए टाइप ऑफ, तो एल्फिसोल किसका टाइप है? रेड सॉइल का है, लाल मिट्टी का है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस फोडर? तो इनमें से लेग्यूमिनस फोडर कौन सा है? तो काउपी है, यानी कि लोबिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इन जितनी भी क्लासेस हुई हैं इन सब की PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की लिंक और PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।